मतलब क्लोथ्स चाहिए, बिब्स चाहिए, वॉश क्लोथ्स चाहिए, मिटन्स चाहिए और सॉक्स चाहिए। इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर आप डायपर्स डाल दो, डायपर्स स्मेल नहीं करते। अभी इन्हें कलर्स थोड़े से कम दिखते हैं, तो हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं घर में जो बेबी फ्रेंडली हो, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये नोज में जाता है और यहाँ से आप इसे सक कर दो। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू एन इन्फॉर्मेशनल व्लॉग। एज अ पेरेंट, जब हमें पता लगता है कि बेबी आने वाला है तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं जो काम की नहीं होती, काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं जो बड़े काम की होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसेंशियल्स फॉर न्यूबॉर्न के लिए, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें जिनके बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चल सकता, कुछ चीज़ें जो हम खुद रिग्रेट करते हैं खरीदना। आई एम होपफुल ये जो इन्फॉर्मेशनल व्लॉग आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो ये है इतिका और अभी ये थोड़ा सा स्लीपी है। कुछ चीज़ें जो ये सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये है इसका प्ले पेन टाइप, प्ले मैट, इसको इसमें रख देते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें से ऊपर से टॉयज़ हैं जिसके साथ ये खेलती है कभी कभी। ये काफ़ी सा अच्छा सा होता है प्ले मैट, इसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक मतलब एक मैंने देखा था जिसमें नीचे पियानो टाइप कुछ होता है जिसमें आप पैर मार सकते हो, और इससे बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन काफ़ी सही रहता है क्योंकि बच्चा ऊपर देख के यू नो ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो वो ये है प्ले मैट जो हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने यूज़ की वो है डॉकर टॉट, और ये भी हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, ये हमें किसी से मिला था। और क्या होता है कि यहाँ पे सर्फेसिस कभी कभी ऐसा मुझे लगता है क्लीन नहीं होते, जैसे यू नो कारपेट है या फिर बेडशीट है या कुछ भी, तो आप उसको डायरेक्टली बेड पे नहीं रखोगे, आप उसे डॉकर टॉट पे ऐसे अंदर रखोगे। तो उससे क्या होता है, एक तो सरफेस क्लीन रहता है, दूसरा जब ये न्यूबॉर्न छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना तो वो बहुत छोटे से होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, अगर आप बैठोगे तो यू नो उठ सकते हैं या फिर इधर से गिर सकते हैं, तो ये उनके लिए छोटा सा बेड होता है। उनके पास क्रिब भी होती है, बट ये हमें मिल गया था तो हमने इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। दूसरी चीज़ जो हमने ली थी वो है ये इलेक्ट्रिक स्विंग, ये हमें हमारे फ्रेंड से मिली थी। मुझे नहीं लगता ये इतनी ज़रूरी है और इसे हमने यूज़ किया है बट इतना ज़्यादा नहीं किया। मतलब प्रशांत, ये वाला हमने वैसे यूज़ किया था ना कि मतलब कुछ नहीं हो रहा तो यूज़ कर लो, ये काइंड ऑफ ये है कि इसमें बेबी को बिठा दो और या तो ऐसे ऐसे मैनुअली हिला दो वरना इसके इलेक्ट्रिकली खुद मूव करा दो और बेबी आराम से सो जाता है। बट काम ओके, छोटे वाले भी जो नॉर्मल वाले भी आते हैं वो भी हाँ वो भी इक्वली गुड होते हैं, उसमें भी बेबी आराम से सो जाता है। और ऐसे काफी बार इसमें ये वाला बच्चे को पसंद नहीं आता तो ये इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, तो फिर इस पे आप इसे रहने दे सकते हो। अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो फिर मत लेना। तो एक और चीज़ जो यहाँ पे हाईली रिकमेंड की जाती है यूएस में वो है ये क्रिब। मतलब ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि जरूरी है, बट हाँ इसे बोला जाता है कि अगर ले लोगे तो बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट में रहता है। तो क्रिब के साथ हमने एक हार्ड मैट्रेस लिया है, ये मैट्रेस जैसे हमारा वाला थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये वाला थोड़ा हार्ड होता है तो काफ़ी इजी रहता है। और हमने इसके साथ एक ऐसा टॉय लिया है जिसे हम चला देते हैं, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन होती है और यू नो खुश रहती है। एक और चीज़ हमने ली है वो है राई पिलो, ये मुझे काफ़ी सही लगता है और हम इसे यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट डेली, तो ये काफ़ी सही है। और हमने यहाँ पे ऐसे ब्लैक एंड वाइट एक बेबी बुक लगा रखे ताकि ये जब यू नो देखे तो देखती रहती है। अभी इन्हें कलर्स थोड़े से कम दिखते हैं, तो हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं घर में जो बेबी फ्रेंडली हो, जैसे ये अगर मैं इसको इसमें रख देती हूँ तो वो खुश रहती है अपना, और जब इधर देखती है तो फिर वो काफ़ी एंटरटेन हो जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा है। अभी मैं चला दूंगी, शी बी वेरी हैप्पी क्योंकि उसको आई थिंक ये इसका फेवरेट चीज़ है, फेवरेट टॉय है, इसको फेवरेट टॉय है, इसको देख देख के काफ़ी देर बैठ सकती है। तो बेसिकली बेबी के साथ लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है डायपर्स, तो सबसे एसेंशियल चीज़ तो आई थिंक डायपर्स होते हैं। बात तो सही है, ये भर भर के ले लेना, मतलब मैं आपको बताऊंगी हमारे पास कितने, तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम लोगों ने वो पीछे वाला वो डब्बा भर के डायपर ले रखे हैं पूरा, उसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूरा डब्बा में डायपर है, डायपर्स है, डायपर्स, और ये बस एक महीना चलता है। हाँ, अगले महीने दूसरा डब्बा। एनीवेज, तो डायपर्स के साथ ये जरूरत होती है डायपर चेंजिंग टेबल की। तो ये डायपर चेंजिंग टेबल बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि अगर आप नीचे झुक के करोगे तो आपकी कमर टूट जाएगी एक आध महीने में, तो इसलिए इसमें ये आपको थोड़ी हाइट दे देता है तो चेंज वेंज करना ईजी होता है। इसमें बेसिकली ये दो चार और एसेंशियल चीज़ें हैं, ये डायपर क्रीम जो कि रैश प्रिवेंट करने के लिए ले रहे हैं, और साथ में हम लोगों ने लिया है इसका वेट, ये है ड्राई वाइप्स और ये है वेट वाइप्स, दोनों की ज़रूरत होती है। ये हमने ऑनेस्ट के लिए और ये हमने हगीज़ के लिए, और साथ में हम लोगों ने लिया है एक हैंड सैनिटाइज़र, और भी हमने इसका कुछ लिया है वो है हमारा डायपर जीनी। ये बेसिकली डस्टबिन होता है,
इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर आप डाइपर्स डाल दो और डाइपर्स स्मेल नहीं करते, जैसे खोलो इसके अंदर डालो और जब ये भर जाए तो इसे निकाल के फेंक आओ। दो तीन दिन भी इसमें डाइपर रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती, तो ये काफी सही चीज है, मतलब ये बहुत सही चीज है। तो एक चीज जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा वो है कपड़े, और बच्चों के कपड़े लेने का ऐसा मन करता है कि मतलब बस लेते जाओ, बट फिर ये भी पता होता है कि वो बड़ी जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल में लेना सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। मैंने बड़ा कंट्रोल कर रखा है, मतलब मेरे को बड़ा मन करता है बट मैंने थोड़ा ध्यान रखा है। Control. And in fact, लोग भी आपके घर आते हैं तो वो भी कपड़े लेके आते हैं, तो थोड़े लेना, ज्यादा मत लेना। आई थिंक एक चीज जो सबसे ज्यादा लेना वो है ये है onesies, और इसमें ना ऐसे zip होता है जिसमें आप इसे zip से ऊपर नीचे कर सकते हो, पहनाने में easy होते हैं और बच्चा भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, तो आप ऐसे onesies ले सकते हो। ये इसके पास अराउंड 6-7 हैं और एक दिन में 2 यूज़ हो जाती हैं, तो फिर ये ज़रूर लेना। आप ऐसा भी कुछ ले सकते हो, तो ये है टी शर्ट और ये इसके साथ पजामा, ये पहनती है, बट मोस्टली इसे हम onesies में रखते हैं, उसमें ज़्यादा खुश रहती है, बट ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी 2-3 सेट आप ले सकते हो। अंतिका अभी कॉपरेट कर रही है, उसको पता है उसकी मम्मी को ब्लॉग बनाना, तो वो अपने सेल्फ एंटरटेन्ड है फॉर सम टाइम। जलवा है हमारा। और ये मिटन्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं, इसे छोटे छोटे से हाथ में पहनाने के होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तब अपने मुँह पे स्क्रैच कर सकता है और इनके नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ हमने लिए हैं कुछ सॉक्स, मोस्टली ज़्यादा मत लेना आप ये, मतलब अगर आप onesies पहना रहे हो तो onesies मोस्टली कवर्ड होते हैं, तो ये थोड़ा 2-4 जोड़ी 5 जोड़ी चल जाएगा, ज़्यादा मत लेना। जब शर्ट पैंट पहनानी हो फॉर एग्जांपल, तब आप ले जा सकते हो। और ये हमने कुछ ऐसे क्लोथ्स लिए हैं, ये वॉश क्लोथ्स हो सकते हैं, आप इन्हें बर्ब क्लोथ्स की तरह यूज़ कर सकते हो, हम नहलाते हैं तो अगर यू नो बॉडी क्लीन करनी है, फेस क्लीन करना है, तो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो क्लोथ होता है ये मुस्लिन कपड़े में होता है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। हम लोग इसे इनर भी पहनाते हैं, तो ऐसे इनर्स होते हैं, मतलब आई थिंक ये एसेंशियल नहीं है बट हम लोग पहनाते हैं, ताकि क्योंकि सर्दी है तो एक लेयर रहे तो सही रहता है। एंड कुछ कैप्स ले लेना आप, कैप्स बहुत ज़रूरी होती हैं, और बाहर के लिए यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होती है, घर पे तो टेम्परेचर काफ़ी, जैसे अभी बाहर आई थिंक 4 degrees है एंड मैंने हाफ स्लीव्स पहना हुआ है, तो यहाँ अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होता है। बिब्स ले लेना, बिब्स कुछ ऐसे ही आती हैं, और जब बच्चा यू नो ड्रिंक करता है मिल्क बॉटल से या फीड लेता है तो उसके मुँह से काफ़ी ज़्यादा गिरता है, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ये वो ऐसे करके पहन सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आई थिंक ये हम एक दिन में 3-4 हमारे यूज़ हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें, वो ले लेना। मेजॉरिटी यही चीज़ें होती हैं, मतलब क्लोथ्स चाहिए, बिब्स चाहिए, वॉश क्लोथ्स चाहिए, मिटन्स चाहिए, सॉक्स चाहिए, जूते वगैरह मत लेना, ज़रूरत नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें हैं इसके कपड़ों में। हाँ, तो एक चीज़ होती है स्वाडल, तो बेसिकली जब बेबी को शुरू में स्पेशली न्यूबॉर्न को सुलाते हैं ना, तो उसे ब्लैंकेट में अच्छे से स्वाडल कर देते हैं रैप करके, वो में भी वैसे होता है, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए, तो हॉस्पिटल में जब भी बेबी को देते हैं ऐसे ब्लैंकेट करके स्वाडल करके देते हैं, तो ये स्वाडल्स काफ़ी एसेंशियल होते हैं, स्पेशली छोटे पहले 1-2 महीने में बेबी को स्वाडल में करके देते हैं, और इसमें आप बेबी को रैप कर सकते हो और बाद में इसे एज अ नॉर्मल ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्वाडल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है जैसे हमें होती है, तो इस टाइप के वेलक्रो वाले स्वाडल्स भी आते हैं, इसमें उस बच्चे को डालो, वेलक्रो लगा हुआ है, ये चिपकाओ और बच्चा हो गया स्वाडल, ठीक है, और वो अपना खेल रही है अपना, और भाई वो रो नहीं रही अभी, अगर आपको लग रहा है वो अपना कुकू कर रही है और उसको हम करने देते हैं फॉर सम टाइम, नहीं अब रो रही है, अब आई थिंक अब शुरू कर दी है। सो देयर आर फ्यू अदर एसेंशियल्स जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनका यूज़ बहुत स्पेसिफिक होता है बट जब ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी काम आते हैं। मैं जैसे इतिका का मेकअप बॉक्स बोलता हूँ, ये कोम, ये भी हमने फ्रीडा बेबी से ली, मैं इन सबके लिंक्स जितना हो सकेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और ये ऐसे ब्रश होता है क्योंकि इनके बाल बहुत ऐसे सॉफ्ट होते हैं, तो ये सॉफ्ट वाला ब्रश होता है, और अगर आपको ऐसे कुछ स्टाइल करना है तो वो एक स्टाइलिंग ब्रश भी होता है, तो ये भी है और ये भी है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है, जब बच्चा नहा के निकलता है तो मन करता है बाल बांध दो, बाल बना दो तो आप बना सकते हो। दूसरा ये भी फ्रीडा बेबी का, ये नेजल एस्पिरेटर है, और बहुत सारे बच्चों की नोज़ ब्लॉक होती है और वो होती ही रहती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ये नोज़ में जाता है और यहाँ से आप इसे सक करते हो, और यहाँ पे बीच में एक फिल्टर लगा होता है, तो जो नोज़ पे ब्लॉकेज है
वो इस पाइप में चला जाता है और वो जो फिल्टर है उससे ये वाला पाइप नहीं खराब होता और आप इसे थोड़ा साफ कर सकते हो। ये काफ़ी काम आता है, जब बच्चा रोता है ना यू नो उसके नाक में कुछ फंस जाता है तो ये ज़रूरी आप ले लेना। दूसरा है नेल फाइलर, और ये नेल फाइलर भी काफ़ी सही होता है। अगर आप उसके नेल्स ट्रिम करोगे ऐसे तो कटने का डर रहता है क्योंकि हाथ बहुत छोटे होते हैं, हाथ खोलने पड़ते हैं, बच्चा हाथ हिलाता रहता है, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। इसमें आप ये अलग अलग तरीके के एक्सटेंशन हैं, आप इसे यूज़ करोगे और फिर वो हल्का सा जो नेल है वो ट्रिम करता हुआ जाता है रादर देन कट करता है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है, आप ये ले सकते हो। बेबी ऑयल, ये भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, हम लोग ये आई थिंक आलमंड ऑयल है, तो आप ऐसा कुछ ऑयल यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट एंड डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रहते हो। थर्मोमीटर, इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है क्योंकि टेम्परेचर आपको जो लगता है हमेशा वो नहीं होता और बच्चा कभी कभी क्रैंकी हो जाता है, तो अगर आपको यू नो मन की शांति चाहिए तो आप ये थर्मोमीटर ज़रूर ले सकते हो। एक चीज़ जो मैं भूल गई थी वो है पैसिफायर। हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल नहीं देंगे, बट कभी कभी शाम को या फिर जब यू नो बहुत ज़्यादा बच्चा रो जाता है तो सूद करने के लिए थोड़ी देर के लिए आप दे सकते हो, हम बहुत ज़्यादा नहीं देते, 10 मिनट के लिए। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। और हमें सही लगता है कि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रोती, तो कभी कभी के लिए यूज़ कर सकते हो। बेबीज़ को आई थिंक हफ्ते में दो से तीन दिन नहलाना होता है, तो बेबी को नहलाने के लिए हम लोगों के पास हमने बाथ टब लिया, ये इन्फेंट बाथ टब है, इसमें यहाँ पे इसको उस पर लगाते हैं, यहाँ पे बेबी को रखते हैं और इसमें पानी भरते हैं और इससे इसको नहला देते हैं। और इसमें टेम्परेचर कंट्रोल, इसमें थर्मामीटर भी है, तो इससे आप एग्जैक्टली पानी का टेम्परेचर चेक कर सकते हो, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और ये बहुत सारे अमेजोन पे मिलेंगे, बट ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसके साथ में ऑब्वियसली नहाने के लिए साबुन चाहिए, तो फिर दिस इज़ द वन वी यूज़, एंड साथ में इसके लोशन, और ये वाला लोशन हम लगाते हैं, दोनों अवीनो के हैं और ये दोनों अवीनो के हैं। और फाइनली आई थिंक ये एग्जैक्टली उतनी एसेंशियल चीज़ नहीं है क्योंकि ये ब्लैंकेट से भी काम हो जाता है, बट दिस इज़ अ बेबी टॉवल, इससे मतलब इसका इसमें आप नहलाने के बाद बेबी को रैप कर सकते हो और इसमें सर पे लगाने का भी होता है तो उसका सर भी अपने आप पुछ जाता है। हम मोस्टली मुस्लिम क्लॉथ यूज़ करते हैं, हमें फटाफट हमें ये कहीं पे कभी मिलता नहीं है तो फिर हमें मुस्लिम क्लॉथ यूज़ करना पड़ता है इवेंचुअली। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़रूरी होती है वो फीडिंग के लिए, एक फीडिंग कवर आप ले सकते हो जैसा कि मेरे पास है, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, कितनी बार आप मुस्लिम क्लॉथ को ऐसे यू नो पीछे से टाई करके वो भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप सोचो 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप ले लेना। अगर आप नहीं मिलोगे तो उसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ये है फीडिंग पिलो, ये आप ले सकते हो, इसके बदले में भी ऑफकोर्स आप नॉर्मल पिलो ले सकते हो, बट इससे ग्रिप काफ़ी सही रहती है। एग्जैक्टली ये कहाँ से लिया क्या है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एक चीज़ जो बहुत मन करेगा लेने का वो ऐसे क्यूट क्यूट टॉयज, बट इनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, स्पेशली आई थिंक चार महीने तक तो आई डोंट थिंक ये सब ज़रूरी होता है। आप ले के आ सकते हो, वो ऐसे रैटल्स हैं और ये काफ़ी क्यूट होते हैं और इसमें आवाज़ें भी आती हैं अलग अलग तरीके की, आप ये सब ले सकते हो, इसे आप ऐसे बजाओगे तो बच्चा देखता है, तो हमारे पास ऐसे 2-3 हैं और ये काफ़ी काम के हैं, मतलब ये हम इससे इसके साथ रोज़ खेलते हैं, ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती और एग्जैक्टली ये बहुत काम आती है। तो जैसे कुछ भी इलेक्ट्रिक टॉयज़ हो गया या फिर कुछ भी ऐसा बड़ी चीज़ होगी वो मत लेना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आप उस हिसाब से उसके टॉयज़ बदल सकते हो और तब ले सकते हो, अभी फॉर द न्यू बॉर्न कोई ज़रूरत नहीं होती। एक और चीज़ जिसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता वो है ये साउंड मशीन, और हम लोगों ने ये एक ही लिए, लोग 2-3 लेके रखते हैं जैसे गाड़ी में, एक स्ट्रोलर में और एक घर पे, बट मुझे लगता है कि एलेक्सा अगर आपके पास है या फिर यू नो गूगल का कोई भी डिवाइस है तो उसमें भी आप वाइट नॉइज़ चला सकते हो, स्पेसिफिकली इसको अलग से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक आदत की बात होती है, हमने इसको इतनी आदत नहीं डाली कि वाइट नॉइज़ चलेगी तभी वो सोएगी, तो जैसे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर बाहर टीवी चल रहा है तो कभी कभी वो सो जाती है, तो मेरे हिसाब से इतना ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ जो हमें काफ़ी काम आई वो है ऐसे चेंजिंग पैड्स, और ये वाले पैड्स आप मालिश में भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपको चेंज करना है सोफे पे या किधर भी, तो ये काफ़ी काम के होते हैं, ऐसे डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं, मैंने ये अमेज़ॉन से लिए हैं, आप ये ले सकते हो। एक चीज़ जो मुझे अभी काम नहीं आएगी वो है ये, जैसे अगर आपका बड़ा घर है तब इसकी ज़रूरत है कि आप अलग से डायपर कैडी ले रहे हो, बट हम मोस्टली जब भी चेंज करते हैं तो उसे अंदर ही ले जाते हैं, तो हमारे काम की ये इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑफकोर्स इसमें हमने थोड़ा सामान रखा हुआ है, अब लिया है हमने तो यूज़ कर रहे हैं, बट अगर हमारे पास ये नहीं होता तो भी हमारा काम चल जाता। एक और चीज़ जो आप ले सकते हो वो है ऐसे ब्रेस्ट पंप, और आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं और इसे काफ़ी सही रहता है, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बॉटल्स ले लेना जितनी हो सके क्योंकि काम आती हैं,
एक और चीज़ होता है, वो है बॉटल वार्मर, और ये हमने लिया था, हमारे रजिस्ट्री में हमने ऐड किया था, बट अगर आप पानी गर्म करोगे और वो भी यूज़ करोगे तभी भी चल जाएगा। ये ज़रूरी है बट इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर आप स्पेशली मतलब डिपेंडिंग ऑन कितना ज़्यादा रेशियो आप बॉटल फीडिंग का डाल रहे हो, तो अगर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो तो आप करो, अदरवाइज नहीं होता। एक बॉटल स्टेलाइज़र होता है, वो हमने बिल्कुल भी नहीं लिया है और उसकी भी ज़रूरत हमें लगी नहीं, कि अगर आप मतलब गर्म पानी में भी जाके यूज़ करोगे, स्टेलाइज़ करोगे तो वो हो जाता है। तो बेसिकली बच्चे को बाहर ले जाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल चीज़ है कार सीट। यूएस में आप इसके बिना, आपको जैसे कि मैं बोला बच्चा देंगे नहीं तो कार सीट ज़रूरी होता है। बच्चा देंगे भी नहीं, और इस पर आपको अगर आप बिना बच्चे को बिना कार सीट के ले जा रहे हो तो आपको चलान भी हो सकता है। ये ज़रूरी है, इट्स लाइक सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, वैसे बच्चे को कार सीट पर रखना ज़रूरी है। कार सीट के साथ ऑब्वियसली अगर आप बच्चे को पैदल चला के लेके जा रहे हो तो फिर स्ट्रोलर काफ़ी काम का होता है। इसमें एक चीज़ होती है ट्रैवल सिस्टम। तो ट्रैवल सिस्टम होता है कि ये कार सीट और ये सेम टाइप की होती है, तो ये कार सीट को उठा के आप सीधे इसमें लगा सकते हो। तो अगर आपको कहीं पे बच्चे को कार में लेके जाना है फिर स्ट्रोलर में ले जाना है तो फिर आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं, स्पेशली आजकल ठंड है, ठंडा माहौल है, भालू टाइप कुछ ले लेना एक जरूरी ये होता है। मतलब मोटे वाले ब्लैंकेट जैसे अपने लिए जैकेट्स लेते हैं, ऐसे बच्चों के लिए इस टाइप की वनजीज आती हैं, नॉर्मल जैकेट्स आते हैं, अलग अलग बच्चों के साइज़ के आते हैं। एक मोटा वाला ब्लैंकेट चाहिए होता है जो ये काफ़ी काम का होता है। आई थिंक मुझे इन जैकेट से भी बेटर लगता है ब्लैंकेट, क्योंकि ब्लैंकेट को आराम से उड़ा दो, बच्चा को घुटा घुटा फील होता है इसमें, बच्चा उसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहता है। और फाइनली एक चीज़ होती है डाइपर बैग। अब ये डाइपर बैग बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बैग से भी काम हो जाता है। मुझे भी ये लगता है कि ये जरूरी इतना नहीं है, मतलब नॉर्मल बैग्स में भी काम हो जाता है। इसमें सेक्शंस बने होते हैं, इसमें अगर आपके पास बैग है इसमें ऐसे एक ये डाइपर बिछाने चेंज करने में बिछाने वाला होता है, इसका आप जुगाड़ कर सकते हो, डालने का होता है, ये सब चीजें होती है। तो ये नॉर्मल बैग से थोड़ा बेटर होता है, बट ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं होगा, नॉर्मल बैग से भी काम हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर ट्रैवल करते हो और आप मतलब काफी देर बच्चे को बाहर लेके जाओगे तब आप ले लेना। अगर आप जैसे हम जाते हैं दो हफ्ते में एक बार, तो हमें इतना जरूरी नहीं होता, हमारा इसके बिना भी चल जाता। एंड विद दिस द व्लॉग कम्स टू एन एंड, और आई एम होपफुल आपको पसंद आया होगा। कुछ ऐसी चीज़ जो मैंने मिस आउट कर दी ये पूरे व्लॉग में, आप उसे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, लॉ है, वो बहुत अलग है यहाँ से। ये मोस्टली यूएस के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो मैंने आपको बताई। आई एम ग्लैड कि आप मेरी लाइफ में हो, आई एम होपफुल कि मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। कुछ ऐसा सजेशन है कि मैं व्लॉग इस तरीके के बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस, प्लीज़ टेक केयर, बाय।